हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नए दमदार वीडियो में। इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मेरे प्रिय, अंत निकट है, रैप्चर होने वाला है। समय निकाल कर, थोड़ा बहुत समय निकाल कर इस वीडियो को पूरा कंप्लीट ध्यान से देख लेना। समय कम है और दिन बुरे हैं, समय कम है और दिन भयानक आने वाले हैं। मेरे प्रियजनों, मत्ती 12 का 36 वचन में लिखा हुआ, ध्यान से वीडियो को देख लेना, आंख खोल कर वीडियो को देख लेना। मजाक मस्ती अपनी जगह, मैं आपको कोई कहानी नहीं बताने जा रहा हूँ, जो होगा और जो होने वाला है वही आपको बताया जा रहा है। मत्ती 12 का 36 वचन में लिखा हुआ है, और मैं तुमसे सचमुच कहता हूँ, जो जो मनुष्य निकम्मी बातें, गंदी बातें, टेढ़ी बातें कहेंगे, वे न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। क्योंकि तू अपनी बातों ही के कारण दोषी और अपनी बातों ही के कारण निर्दोषी ठहराया जाएगा। जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। वीडियो कंप्लीट देख लेना। जो आप मुंह से गालियां पकते हो, गंदी बातें बोलते हो, अपने गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से गंदी गंदी बातें बोलते हो, चुगली करते हो, पाप करते हो, याद रखना, जो आप पाप कर रहे हो मुंह से बोलकर, तो आपको स्वर्ग सिंहासन के सामने आपको लेखा खुद अपना अपना देना होगा, अपना अपना लेखा देना होगा। मैं बोल रहा हूँ, अभी टाइम है, वक्त है, मन फिरा लो, मन फिरा लो। आपको पता होगा, धनवान और लाजर, आप धनवान अभी भी तड़प रहा है एक बूंद प्यास के कारण उस नर्क की आग में। जो कोई उस नर्क में जाएगा उसकी जीभ एक बूंद प्यास के कारण आठेगी, सिकुड़ जाएगी प्यास के कारण। जिस प्रकार से धनवान तड़प रहा है मेरे प्रश्न, एक बूंद प्यास के कारण, जो व्यक्ति उस नर्क में जाएगा उसकी जीभ एक बूंद प्यास के कारण, प्यास के मारे उसकी जीव आठेगी। इतना कोहराम, इतना हाहाकार, समय कम है और दिन भयंकर आने वाले हैं। मस्तर की आग में 24 का मच्चा होगा, सोचन मच्चा होगा। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, और ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता जानता है। यहाँ पर वचन साफ और स्पष्ट रूप से मैं शिक्षा देता है, जो बाइबल है कोई खेल नहीं है, याद रखना इस बात को। जो वचन है या परमेश्वर है लिखा, उस दिन के विषय में कोई नहीं जानता है। किस दिन के विषय में? जिस समय हमारा यीशु मसीह आएगा, जिस समय परमेश्वर आएगा, उस समय के विषय में, उस सन के विषय में, उस दिन के विषय में, उस टाइम के विषय में, उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता है। किसी को भी नहीं पता है वह समय कब का होगा, वह दिन, वह घड़ी कब की होगी। सुबह भी रैप्चर हो सकता है, दोपहर में भी रैप्चर हो सकता है, शाम को भी, रात में भी रैप्चर हो सकता है। लूका की किताब बताती, मैं तुमसे सच कहता हूँ, उस रात दो मनुष्य एक खाट पर सोते होंगे, एक बदल के उठा लिया जाएगा और दूसरा सोने के लिए वहीं पे छोड़ दिया जाएगा। जो उस समय तैयार होगा, ध्यान से वीडियो को देख लेना। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना हमारे ऐसे वीडियो देखने के लिए। अंत निकट है, बहुत सारी ऐसी बातें आपके सामने रखी जाएंगी, और चुनाव भी आपका है, फैसला भी आपका है। चुन लो जिसको चुनना चाहते हो, जीवन या मौत को चुनाव आपके सामने रखे हुए हैं। यीशु मसीह ने कहा है, मैं तो कहता हूँ जीवन ही को चुनो। जीवन यीशु मसीह है। पाप, व्यभिचार, बुराई छोड़ दो। कब तक पाप करते रहोगे? क्या अंत नहीं इन सब पापों का? मेरे प्रियजनों, अभी वक्त है, टाइम है, जरा सोचो। समय चला जाएगा, वक्त चला जाएगा, टाइम चला जाएगा, तो आप क्या करोगे उस समय? आप क्या करोगे? याद रखना, जो लोग आज गए हैं मरकर, जो लोग कल गए हैं मरकर, वे दुआ कर रहे हैं, कोई इस नर्क की आग में ना आए, कोई यहाँ ना आए, मेरा परिवार यहाँ ना आए। इतनी हार्ड आग होगी वहाँ की, जहाँ का लोहा पानी पानी बन जाता है, अभी तो आपके नथनों में श्वास है, जीवन है, अभी आपके पास टाइम है, किरण है, हाँ, मन फिराने का टाइम है, किरण है आपके पास। वचन कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं, दिन भयानक आने वाले हैं। जो टाइम, जो समय, जो अवसर, जो घड़ी, जो वक्त परमेश्वर आपको दे रहा है, ये मन फिराने का समय चल रहा है। मन फिरा लो, विश्वास कर लो इस मसीह पर, विश्वास कर लो। लिखा आगे 37 वचन में, जैसे नूह के दिन थे वैसे मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। क्योंकि जैसे जल परले से पहले के दिनों में, जिस दिन तक नूह जहाज पे न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते और उनमें ब्याह शादी होती थी,
और जब तक उन्हें जल प्रलय बहाकर ना ले गया उन सबों को, तब तक उन्हें कुछ भी मालूम ना पड़ा। और वैसा ही हो रहा है आज। आज लोगों को बताया जा रहा है पाप मत करो, व्यभिचार मत करो, गंदे काम मत करो, प्रभु पर विश्वास कर लो। वे तो उसको ठट्ठों में उड़ाते हैं, मजाक में उड़ाते हैं, जैसा नूह के समय में था, जैसे लोग नूह को ठट्ठों में उड़ा रहे थे जब नूह ने बोला था मन फिरा लो, पाप से व्यभिचार से मन फिरा लो और प्रभु पर विश्वास कर लो, लौट आओ यीशु मसीह पर। वहाँ के लोग बोल रहे थे अरे नूह तो पागल हो चुका है, नूह पागल हो चुका है। और वैसा आज भी हो रहा है, जिसको जैसा अच्छा लग रहा है वैसा वो करता चला जा रहा है, जिसको जैसा समझ में आ रहा है वैसा वो करता चला जा रहा है, पाप विचार में लग जकड़े हुए हैं। याद रखना यदि आपके अंदर वचन नहीं है, वचन नहीं है, प्रार्थना नहीं करोगे तो आप शैतान की जाल में एक तलब की मछली की तरह फंस जाओगे। यदि आप निकलना तो चाहोगे परंतु निकल नहीं पाओगे। विचार के पीछे मत भागो, हवस के पीछे मत भागो, क्योंकि ये नाशवान चीजें हैं, ये नाश हो जाएंगी, नाश हो जाएंगी। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ जो मनुष्य परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान धरेगा, परमेश्वर की व्यवस्था पर चलेगा, वो कभी नहीं मरेगा, उसके राज्य का कभी नहीं अंत होगा। यदि आप पाप करते विचार करते हो, ये कुछ समय के लिए मजा है, आनंद है, वो टाइम के लिए, वो समय के लिए। आप पापों में शरीर के द्वारा आनंद तो मना सकते हो, मगर याद रखना इसकी कीमत आपको बहुत भयानक जगह चुकानी पड़ेगी, और वह नरक की आग जो कभी नाश नहीं होती है। याद रखना परमेश्वर ने ऐसा कुछ भी नहीं रचा था, यीशु मसीह ने ऐसा कुछ भी नहीं बनाया था जो पाप से भरा हो, जो व्यभिचार से भरा हो, ऐसा कुछ नहीं रचा था। यीशु मसीह ने अच्छा ही अच्छा बनाया था, अच्छा ही अच्छा बनाया था, मगर आज मनुष्य खुद पाप करके मौत कमा रहा है, खुद पाप करके नरक में जाना चाहता है। थोड़ी सी मजा लेने के चक्कर में वे भूल जाते हैं कि परमेश्वर मुझे क्या क्या सजा देगा, परमेश्वर मुझे क्या क्या सजा देगा, अनंत काल का दंड देगा जो आपकी सहनशीलता से बाहर होगा। ये मसीह जीवन ये मजाक मस्ती नहीं है, मजाक मस्ती अपनी जगह। अच्छे अच्छों का पसीना छूट जाएगा उस नरक की आग में, अच्छे अच्छों का पसीना तेल उसी में निकल जाएगा। अरे उसने कोड़े खाए, मार खाई, बेइज्जती सा, दर्द सा, लहू बहाया, उसके लहू की कदर करो, वरना जो आपके शरीर में गर्मी भरी है ना, उससे अनंत काल की आग में निकल जाएगी। अभी टाइम है, यदि गुप्त रीति से पाप है, व्यभिचार है अपने जीवन में, यदि आपने पाप किए हैं तो परमेश्वर के पास आ जाइए, अभी टाइम है, और यीशु मसीह आपके गुनाहों को माफ़ कर देगा। पश्चाताप करो, रोते हुए चिल्लाते हुए आइए परमेश्वर के सामने, बीसी वक्त घुटने टेक कर बैठ जाइए और परमेश्वर अपने गुनाहों को माफ़ कर देगा और बोल दो प्रभु मुझसे हो गई गलती, अब आगे को नहीं होगी। अरे परमेश्वर आपको माफ़ कर देगा, एक नया जीवन देगा। मेरे प्रियजनों इस वीडियो को शेयर करना ताकि आपके एक शेयर से लाखों करोड़ों आत्माएँ बच सकती हैं। इसके बदले परमेश्वर आपको इनाम देगा, मुकुट देगा, मेरे प्रियजनों सॉरी मुकुट देगा। मिलते अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय मसीह की, गुड लक।